नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और आज का जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में हम यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास को जानेंगे, समझेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि 2024 में कौन यहां से विधायक बन सकता है। आप अपने अनुमान जरूर बताएं। दोस्तों, यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा निर्माण के बाद अस्तित्व में आया था। 1967 के पहले चुनाव में इस क्षेत्र के विधायक को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य मिला। नाम आप समझ गए होंगे, 1967 में पंडित भगवदयाल शर्मा जी यमुनानगर से विधायक चुने गए थे कांग्रेस के। उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी को पराजित किया था, लेकिन पंडित जी अपनी सरकार को नहीं चला पाए और उनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। फिर राव बीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने, दल बदल हुआ, सरकार टूट गई और हरियाणा में आया राम गया राम की संस्कृति विकसित हुई। अगले साल फिर मध्यावधि चुनाव हुए 1968 में, तो पंडित भगवदयाल जी ने चुनाव ली लड़ा। कांग्रेस की रणनीति ये थी कि बड़े बड़े जो तुरम खाते इनको चुनाव नहीं लड़वाया जाए, लेकिन पंडित जी बड़े किंग मेकर थे, उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े करवाए और इस बार कांग्रेस ने यहाँ पे श्रीमती सन्नो देवी को यहाँ से टिकट दी और उनका मुकाबला जनसंघ प्रत्याशी मलिक चंद्र और निर्दलीय सरदार भूपेंद्र सिंह जी के बीच में था। सन्नो देवी जी चुनाव में तीसरे नंबर पर रही और असल में हुआ यह था कि भूपेंद्र सिंह जी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके सन्नो देवी जी की जो हार है वो पंडित भगवदयाल जी ने सुनिश्चित की थी, क्योंकि पंडित जी को आशंका थी कि अगर सन्नो देवी यमुनानगर से चुनी जाती हैं तो मुख्यमंत्री बनने के उनके मकसद को चुनौती वो दे सकती हैं, इसलिए उन्होंने उनको हरा दिया। उन्होंने कई जगह पर ऐसे प्रत्याशी खड़े किए थे, उन्होंने बहुत लोगों को ऐसे हराया। 1972 में कांग्रेस के गिरीश चंद्र जी ने जनसंघ प्रत्याशी मलिक चंद्र गंभीर को पराजित किया और 1973 में जनता पार्टी की डॉक्टर कमला वर्मा ने यहां से बाजी मारी और उन्होंने कांग्रेस के गंभीर चंद्र जी को हराया। 1982 में कांग्रेस के राजेश शर्मा जो पंडित भगवदयाल जी के बेटे थे, उन्होंने भाजपा की कमला वर्मा को हरा दिया। 1987 में कमला वर्मा ने राजेश शर्मा को हरा के अपनी हार का बदला ले लिया और 1991 में राजेश शर्मा एक बार फिर से कमला वर्मा को पराजित करके विधायक बनेंगे। 1996 में भाजपा की कमला वर्मा एक बार से जीती और उन्होंने निर्दलीय मलिक चंद्र गंभीर को पराजित कर दिया। साल 2000 में कांग्रेस के डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा ने भाजपा की कमला वर्मा को शिकस्त दी और बसपा के रणधीर सिंह तीसरे और हविपा के साहिब सिंह चौथे स्थान पर रहे और जो डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा हैं उनका फिर निधन हो गया और उनके निधन के कारण फरवरी 2000 में यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में मलिक चंद्र गंभीर विजयी होते हैं। पंडित भगवदयाल जी के बेटे राजेश शर्मा जी उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट के लिए हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। टिकट न मिलने से खिन राजेश शर्मा कांग्रेस छोड़कर इनेलो में चले गए और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने राजेश शर्मा को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इस तरीके से पंडित भगवदयाल जी के जो बेटे हैं वो चौटाला साहब के साथ हो गए। 2005 में फिर जो चुनाव होता उसमें कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णा पंडित ने भाजपा के घनश्याम दास को पराजित किया। इनेलो के साहब सिंह तीसरे नंबर पर रहे। साल 2009 में इनेलो के दिलबाग सिंह ने कांग्रेस के देवेंद्र चावला को हराया, भाजपा के घनश्याम तीसरे नंबर पे और बसपा के रोशनलाल जी चौथे स्थान पर रहे। साल 2014 में भाजपा के घनश्याम दास अरोड़ा ने इनेलो के दिलबाग सिंह जी को हरा दिया और इस चुनाव का जो एक मुख्य आकर्षण जिसको आप कह सकते हैं वो आकर्षण थे डॉक्टर अरविंद शर्मा जो अब रोहतक से सांसद हैं। 2014 के चुनाव में अरविंद शर्मा जी बसपा के हाथी पर चढ़ के यमुनानगर जा पहुंचे। अरविंद शर्मा को लगभग 10,000 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस की कृष्णा पंडित को मात्र 9,500 वोट ही मिल पाए। साल 2019 में भी बाजी घनश्याम दास जी के हाथों में रही और उन्होंने इनेलो के दिलबाग सिंह जी को हराया। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के निर्मल चौहान रहे। ये थी दोस्तों यमुनानगर की चुनावी इतिहास बातें। यमुनानगर ने प्रदेश को एक मुख्यमंत्री भी दिया है और अब 2024 सामने है। 2024 में यमुनानगर से कौन बाजी मार सकता है, कौन यमुनानगर का अगला विधायक बनेगा, आप अपने अनुमान कमेंट करके जरूर बताएं।